जय बाबा गोरखनाथ की। तो मित्रों, एक सवाल मेरे कमेंट में आया, मुझे व्हाट्सएप पे पूछा गया कि गुरुजी, सवारी आती है जब किसी देवता की, तो पता कैसे चलता है कि किसी देवता की सवारी है, लक्षण क्या होते हैं उसके? क्योंकि जो है उपासितों में अक्सर आती रहती है, तो पता कैसे चलेगा कि जो मेरे पे सवारी आ रही है अभी, मेरे शरीर में ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे मैं पता कर पाऊँ कि मुझ पर सवारी आ गई है, मेरी सिद्धि या मेरी साधना सफल हो रही है? तो चलिए आज बता देते हैं, कुछ लक्षण बता देता हूँ। आप इन लक्षणों को अच्छे से ट्रेस आउट कीजिएगा, अच्छे से उनको देखिएगा लगातार। अगर वो लक्षण आपके साथ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो पूजा है, आपकी जो सिद्धि है, आपकी जो भक्ति है, आपकी जो साधना है, वो पूर्ण होने की तरफ चल रही है और आप अब सवारी की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और बेल आइकन दबा दीजिएगा फटाफट से, और वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा महाराज की प्रार्थना मैं करता हूँ कि जो भी भक्त कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखते हैं या अपनी समस्याएं बताते हैं, उन सभी की समस्याओं का बाबा निदान करें। तो आप भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या लक्षण हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि भी आपके ऊपर सवारी आ रही है, देवी देवता की सवारी आ रही है, दैव पितरों की सवारी आ रही है, ठीक है? तो वो लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जाहरवी महाराज की, जय धाम हर की, जय मेरे सरकार तेरी सदाई जो, जय जय सिद्धनाथ तेरी सदाई जय। स्वागत है सभी भक्तों का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो गुरु महाराज के पास चलता है। आप सभी के प्यार आशीर्वाद से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, इसी तरह चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो ये मित्रों, मैं बताने वाला था आज आपको कि भाई शरीर पर आपके जो देवी देवता सवार आ रहे, तो आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं, आपके शारीरिक रूप से आपको क्या बदलाव महसूस होते हैं, क्या लक्षण महसूस होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि आपके शरीर में किसी भी देवी देवता की या देव पितर की सवारी आ रही है। उससे पहले मैं बात बता दूं, आज एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं आपके शेयर करना चाहूँगा। एक भक्त ने मुझसे पूछा कि गुरु जी, मैं और भी गुरुओं की, मतलब लोगों की वीडियोस देखता हूँ, जो गुरु महाराज हैं या जो भक्त हैं, भगत लोग हैं जिनकी वीडियो बनती हैं यूट्यूब पर, मैं देखता हूँ, पर आपकी वीडियो में एक मैंने खास बात देखी है कि भाई आप जो है टीका वीका नहीं लगाते हैं और जो है कुर्ता वगैरह नहीं पहनते हैं और आप वीडियो घर में बैठ के बना देते हैं, आपके पीछे कोई तस्वीर नहीं होती है, या आप धूना नहीं लगाते हैं या भगवे वस्त्र नहीं पहनते हैं, ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों, मैं वीडियो कहीं भी बनाता हूँ, यस, मैं कहीं भी वीडियो बनाता हूँ। अभी मैं अपने घर के कोने में बैठा हुआ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि मैं कोई यूट्यूब का सेटअप नहीं चलाता हूँ, कोई मैं अलग से स्टूडियो वगैरह नहीं चलाता हूँ, मैं घर में बैठ कर आराम से वीडियो बनाता हूँ आप सभी लोगों को। मेरा मकसद है बाबा की ज्योत को आप तक पहुँचाना, आपकी समस्याओं का निदान कराना, बाबा के नाम का प्रचार करना, ठीक है? इसलिए मैं कहीं भी बैठ कर वीडियो बनाता हूँ। दूसरी बात जो टीके की और कपड़ों की बात आती है, देखिए मैं वीडियो इन कपड़ों में ऐसे ही बैठ के इसलिए बनाता हूँ बिना टीके वगैरह के, ताकि आपसे जुड़ सकूँ, मैं आपको बता सकूं कि जिस तरह से, देखिए आप ही की तरह हूं ना मैं, बिल्कुल सिंपल वही टी शर्ट शर्ट जैसे मैं पहनता हूं ऐसे आप लोग पहनते हैं बिना टीके के, आप भी बिना टीके के रहते हैं, मैं भी बिना टीके के, ऐसे मैं कोई बाबा नहीं हूं, ठीक है? तो मैं इसलिए ऐसे कपड़े बनाता हूं ताकि आपसे मैं कनेक्ट कर सकूं, आपको समझा सकूं कि भाई सिद्ध होने के लिए, अपनी सिद्धि को पूर्ण करने के लिए, अपनी साधना करने के लिए, भक्ति होने के लिए, केवल केवल और केवल अपने महाराज में, अपने इष्ट में, अपने भगवान में ध्यान का होना ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, बाद की हैं। इसलिए मैं इस तरह से रखता हूँ। चलिए अब बात करते हैं लक्षण की, लक्षण ऐसे क्यों होते हैं। तो लक्षण की बता दूँ, पहला आप ये समझ लीजिएगा कि जब भी देवता की सवारी आपके शरीर पर आएगी तो आपके आँखों में भर भर के आंसू आएंगे, भर भर के आंसू आएंगे। थोड़ा बहुत उबासी आने में अलग बात है, पर भर भर के उबासी और आंसू आएंगे ही आएंगे, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, बहुत ज़्यादा उबासी आती है जब किसी देवता की सवारी आपके शरीर पर आती है। दूसरा लक्षण, जब भी किसी देवता की सवारी आपके शरीर पर आएगी तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके शरीर में अकड़न जकड़न महसूस होगी ही होगी, हमेशा होगी, ठीक है?
जब भी किसी देवता की सवारी आपके ऊपर आएगी तो आपके शरीर में दर्द महसूस होगा, आपका सिर भारी महसूस होगा, कई बार आपको चक्कर भी आ सकते हैं, कई बार शरीर पर सवारी आके खेलती भी है, तो खेलते वक्त आप आराम से धुन में लग जाते हैं, ठीक है। तो चक्कर महसूस होते हैं, सिर दर्द महसूस होता है या सिर भारी हो जाता है, या आपके शरीर में बॉडी पेन महसूस होता है, जकड़न महसूस होती है, अकड़ महसूस होती है शरीर में, तो आप ये 100% संकेत है कि आपके ऊपर सवारी आ रही है, ठीक है भाई। बुखार हो अगर तो मैं समझ लियो सवारी आ रही है, ठीक है ना। बुखार हो तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लियो, बुखार चेक करके, बुखार में भी शरीर अकड़ता है और शरीर सवारी आती है तो भी शरीर का तापमान गर्म हो जाता है। तो सवारी को बुखार मत समझना और बुखार को सवारी मत समझना, थोड़ा सा अंतर बना के रखना, ठीक है। तीसरा ये होता है कि आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो पूजा पाठ में लग जाता है, तपस्या में लग जाता है। यानी कि जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि हमें पूजा पाठ हमारे घर में कम होता है, आजकल जो हिंदू परिवार हो गए, मिडिल क्लास परिवार हो गए, उनको पैसे की चिंता होती है, सुबह उठना है, स्कूल जाना है, नौकरी पे जाना है, काम पर जाना है, तो पूजा पाठ ऐसे ही होता है। पर जिस बच्चे पर, जिस भी भगत पर सवारी आनी शुरू होती है, उसका मन पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, वो पूजा पाठ ही होता है, उसे पूजा पाठ करने में आनंद आने लगता है, उसे भजन कीर्तन करने में आनंद आने लगता है, उसे भजन सुनने में आनंद आने लगता है, तो ये भी एक लक्षण है कि आपके ऊपर सवारी आ रही है। चौथा लक्षण एक ये कि भाई आप बैठे तो पूजा करने के लिए कि फटाफट से मैं हाथ जोड़ लूँ बाबा के, हाथ जोड़ के फिर चलूँ अपने ऑफिस पर, आप बैठे ही रह गए, 25 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, आपका मन लग रहा है, आप ध्यान में हैं, मगन हैं, खो गए हैं बाबा में, यानी कि आप ध्यान मग्न होना शुरू हो जाते हैं। जब सवारी आपके ऊपर आती है तो आप विस्मृत होकर बाबा के ध्यान में लग जाते हैं, अपने इष्ट के ध्यान में लग जाते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा, पता ही नहीं चलता कब बीत गया, पूजा में बैठे रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब बीत गया, बहुत देर बाद लगता है कितना टाइम हो गया, इस तरह से आपके साथ होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक लक्षण है कि शरीर पर आपके देवता की या देवी की सवारी है, किसी न किसी की पितृ की सवारी है, ये भी एक लक्षण है, ठीक है। एक और लक्षण बता देता हूँ, जब कोई देवता, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, जब कोई देवता आपके सब प्रसन्नता के साथ आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जब देवी देवता प्रसन्नता के साथ नहीं आते हैं, नाराज में आते हैं या गुस्से में आते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, आपके घर में नुकसान होना शुरू हो जाता है। आते देवी देवता आपके शरीर पर ही हैं, शरीर को जकड़न होगी, शरीर टूटेगा, दर्द होगा, ठीक है, बट आपके घर में नुकसान भी होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, तो वो भी कारण है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं, किंतु आए हैं क्योंकि आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो देवी देवता आ जाते हैं पर वो नाराज होते हैं, तो उनको मनाना है आपको। इसके बारे में वीडियो आपको बाद में बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं शायद आपको बता पाऊँ कि जो देवी देवता नाराज हो जाते हैं उनको कैसे मनाएंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल की सवारी आई है तो उसका क्या लक्षण है वो मैं आपको बताऊँ, आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा लक्षण है, बहुत मतलब कह रहे हैं चिंगाजनक है कि जो भक्त सवारी से पहले पतले होते हैं वो अचानक से फूलने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं सवारी आने के बाद, ये अक्सर देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है। और जो भक्त मोटे होते हैं वो और मोटे होने लगते हैं, क्यों? क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब उनके शरीर में दूसरी ऊर्जा आती है, शरीर में देवी देवता की ऊर्जा आती है, तो उस ऊर्जा की वजह से उनका शरीर फूलने लगता है, आकार बदलने लगता है उनके शरीर का। तो ये अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे, जो भक्त हमारे सवारी आने से पहले पतले होते हैं वो अक्सर मोटे हो जाते हैं, और जो भक्त मोटे होते हैं वो और मोटे हो जाते हैं। तो ये भी एक लक्षण है सवारी आने का आपके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ये जो आपको मैंने 5-7 लक्षण बताए, इन लक्षणों को ध्यान से देखिएगा, इन लक्षणों को, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा कि भाई बहुत बच्चे कहते हैं हमें उबासी भी आ रही है, टूटन भी हो रही है शरीर में, पता नहीं चल रहा, पर उनके लिए बता रहा हूँ कि वो ये भी देख सकते हैं कि भाई किस दिन हो रहा है ऐसा। अगर किसी पर्टिकुलर दिन ऐसा लगातार हो रहा है और ज़्यादा होता है किसी दिन, सपोज मंगलवार के दिन ज़्यादा हो रहा है या सोमवार के दिन ज़्यादा हो रहा है या शनिवार के दिन ज़्यादा हो रहा है, तो और ज़्यादा हो रहा है उस दिन, बाकी दिन भी रह रहा है पर ज़्यादा हो रहा है, तो इसका 100% मतलब यही है कि आपको उस दिन पर्टिकुलर किसी देवता की सवारी आती ही आती है। अब किस देवता की सवारी आती है ये आप पता कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा उससे कि भाई वो किस देवता की सवारी आती है, ठीक है।
तो बाबा महाराज के आशीर्वाद से आप सभी लोग पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सवारी आने पर आपके शरीर में क्या अनुभव होता है। तो आप भी अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर भर लीजिएगा। जितने भी दोस्त मेरे देख रहे हैं वो अपने अनुभव ज़रूर बताएगा कि उनके शरीर पर सवारी आती है तो उनके शरीर के साथ कैसा होता है, वो क्या महसूस करते हैं, तो मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा। गुरु महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, सभी दोस्त मेरे सभी बाबा के प्यार में बने रहें, सभी आशीर्वाद में बने रहें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जाहरवीर।